सो हेलो गाइस, कैसे सो भैया, यूपर सो बढ़िया होंगे। एंड गाइस, सबको बता दूं कि आज हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है उसकी वजह से हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशली मैंने आपके लिए चार न्यू ग्लिच के ऊपर वीडियो बनाया, और ऐसे फाड़ू ग्लिच थे ना कि गाइस आप बोलो कि बहुत सही ग्लिच आपने बता दिए। तो गाइस, जैसे बहुत से आपको पता है टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच के ऊपर आपका भाई बहुत नॉलेज है, तो इसके बारे में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो का लाइक गेम ऑन 100 लाइक्स, ठीक है, आज 100 लाइक्स आपको कंप्लीट करना होगा। जो गाइस जो भी वीडियो देख रहा होगा साथ में शेयर बटन भी दबा दिया करो एंड शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। तो गाइज, बढ़ते हैं अपने ग्लिच नंबर वन की तरफ। जो ग्लिच नंबर वन है वो हमारा डबल ट्रिपल स्टोरी पे एक वर्क करने वाला है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड हिल, एंड यहाँ पे आपको ये फ्रिज वगैरह दिख रहा होगा। तो फ्रिज के सामने आपको बस अपने और टीममेट को खड़ा कर देना है, एंड यहाँ पे टेबल पे आपको टेबल के सामने आके जंप करना है, अगेन जंप करना है, ठीक है, अगेन जंप करना है। फिर से अगर नहीं होता तो अगेन जंप करो। यहाँ पे हो रहा था तो पर गिर गया मैंने एकदम, थोड़ा सा नहीं संभल पाया, तो आपको अगेन ट्राई करना है। पहली बार में हो किसी से भी नहीं होता इजली, तो यहाँ पे दूसरी बार शो हो जाएगा आपसे। मैं दावा करता हूँ कि दूसरी बार इजली कर लोगे। तो यहाँ पे आने के बाद जस्ट आपको अपने टीममेट को नीचे खड़े रखना है, उसको नहीं बोलना कि हट जा, तो उसको वो नीचे खड़े रखना है। और यहाँ से देखो गाइज, आप किसी बंदे को मार सकते हो। मेरा टीममेट बोलता है कि सामने जो डोर्स है उसको ब्लास्ट करो, ठीक है, मतलब डोर्स को फोड़ दो। तो डोर्स को यहाँ पे हम फायर करें, यहाँ पर देख सकते हैं डोर्स के ऊपर फायर लग रही है, यहाँ पे दरवाजा भी टूट चुका है गाइस। तो मतलब ये गंदा बहुत सही ट्रिक है गाइस, इससे आप पूरा स्क्वाड भी स्वाइप कर सकते हो। अगर कोई बंदा ऊपर बैठा होगा तो इजीली उसको मार सकते हो, एंड मतलब फाड़ू ट्रिक है। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एंड बढ़ते अपने ग्लिच नंबर टू की तरफ। तो ग्लिच नंबर टू जो है हमारा बहुत ही ओपी है। तो ग्लिच नंबर टू हमारा स्नाइपर टावर पे वर्क कर रहा है। जी हाँ गाइस, स्नाइपर टावर पे जो यहाँ पे है, तो बस आपको क्या करना है, अपने टीममेट को बुलाना है और अपने टीममेट को बोलना होगा कि गाइस बस आपको इतना करना है अपने, तो मैं ऐसे पे उतार रहा हूँ, आप मत ऐसा करना कि हाँ अपना हेलमेट वगैरह, आप बिना हेलमेट भी कर सकते हो, पर मैंने ऐसे उतारा है जस्ट पहले, मैंने बिना हेलमेट के किया, तो मैंने बिना हेलमेट के किया, पर मैंने अपने टीममेट को भी हेलमेट के साथ करवाया तो उसका हो गया था। तो बस आपके अपना अपने टीममेट को बोलना ऊपर आ जा भाई, ऊपर टीममेट भी ऊपर आएगा ना, तो बस उसको बोलना कि भाई अब आपको खड़े हो जाना है। ऊपर खड़ा हो जा भाई, तो मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब रैंडम सी था, जो बंदा मेरे को इतना नॉलेज नहीं रखता, तो मैंने उसको बोला कि अपनी गन पीछे रख। तो जैसे ही मतलब उसको गन पीछे रखना है, उसको बोलना है सर से सर मिला, ऐसे मतलब सर को सर से मिलाना है, बट और उसको बोलना है कि गाइस अब प्रॉन हो जा, बस एकदम सर से सर मिला के उसको बोलना है कि प्रॉन हो जा। एंड देखना यहाँ पे मेरे सर से सर मिला के प्रॉन हो गया, एंड गाइस आप देख सकते हो मतलब ऊपर की पूरी सीनरी आप देख सकते हो। जो भी बंदा ऊपर बैठा होगा ना, मतलब यहाँ वहाँ बैठा होगा तो उसको मार सकते। चलो यहाँ पे हट गया, फिर से मैंने इसको फिर से बोलता हूँ कि भाई फिर से, और देखो फिर से बताता हूँ आपको सही से करके, मतलब ऐसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हम, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फिर से बताते हैं इसको, आप फिर से बोलते हैं इसको कि प्रॉन हो जा, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से बोलता हूँ प्रॉन होने के लिए, ये होता है प्रॉन। यहाँ गाइस आप देखते हो मतलब जो भी बंदा ऊपर पहाड़ी पे रिज पे जहाँ मर्जी बैठा होगा आप इजिली यहीं से उसको मार सकते हो, एंड वो बंदा आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता भाई, कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो ये ग्लिच कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस, जिसने लाइक नहीं किया होगा अभी तो लाइक कर दें ब्रो। तो बढ़ते हैं अपने ग्लिच नंबर थ्री की तरफ। तो ग्लिच नंबर थ्री हमारा फैक्ट्री पे वर्क हो रहे हैं। तो ग्लिच नंबर थ्री भी बहुत ओपी चीज़ है, बहुत ओपी ग्लिच है। तो यहाँ पे आपको बस अपने यहाँ पे पत्थर तो देखोगे फैक्ट्री पे, तो बस आपको क्या करना है अपनी बग्गी को लाना है सीधा, एंड मतलब थोड़ा ऊपर जैसे ध्यान रखना है, जल भी जाती है कई बार बग्गी, थोड़ा ऊपर जैसे ला के आपको बस ऐसे उसको लगा देना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सही से लगाना है ताकि जो आपको बैक सीट है वो पीछे वाली सीट देखे ना। तो बस आपको ऐसे लगा देनी है, एंड उसके बाद आपको पीछे वाली सीट पे हो जाना है, मतलब चेंज सीट कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो मतलब कोई बंदा आपको नहीं देख पाए कि बग्गी पे कोई बैठा है, एंड यहाँ से आप पत्थर के आर पार देख के किसी बंदे को मार सकते हैं। कोई बंदा आप फायर करता है ना गाइस, तो वो नहीं मार सकता, पर आपको पीछे की तरफ ही बैठना, आगे की तरफ नहीं बैठना, नहीं तो आप दिख जाओगे। तो आपको पीछे की तरफ बैठना है, किसी बंदे को आप यहाँ से इजिली मार सकते हो। तो ये ग्लिच भी आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, स्ट्रीम चैनल पे न्यू होगा तो गाइस सब्सक्राइब बटन में दबा दो। तो गाइस कल हम स्ट्रीम जरूर करेंगे, आज कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी उसकी वजह से हम स्ट्रीम नहीं कर पाए। तो चलो गाइस, बढ़ते अपने ट्रिक ग्लिच नंबर फोर की तरफ। तो ग्लिच नंबर फोर जो हमारा बहुत ही ओपी है, ठीक है, एंड बहुत ही ओपी चीज़ है ब्रो, आप क्या बोलोगे। तो लास्ट जोन बन जाए तो आपको मजा आने वाले हैं, ठीक है। तो ग्लिच नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्लिच नंबर फोर जो हमारा फैक्ट्री रिज पे वर्क कर रहा है, ठीक है, रिज पे नहीं सॉरी फैक्ट्री ब्रिज पे वर्क कर रहा है। तो आपको बस अपनी बग्गी लानी है, तो ब्रिज के नीचे ले जानी है सीधा, ठीक है, अपनी बग्गी लानी है और सीधा ब्रिज के नीचे ले जानी है, मतलब यहाँ पे नहीं थोड़ा बैक लेते हैं आपको, मतलब आराम से करना है इस ग्लिच को, ऐसा नहीं कोई जल्दबाजी में मत करना, आराम से करना आपका हो जाएगा। बस यहाँ से लाने के बाद आपको इजीली ऊपर चढ़ानी है, ठीक है, यहीं से जिस जहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ उसको वहीं से ऊपर करना है आपको। तो यहाँ इजीली कर लोगे आप, मैं बोल रहा हूँ मैंने एक ही टाइम में कर लिया था, फर्स्ट टाइम में मैंने कर लिया है।
तो मतलब ऐसे लाना आपको इजीली उजीली उसको ऊपर ऊपर ले जाना है। अगर लास्ट जोन बनता है जगह पे या फिर कोई आप रस मारा तो आप कर सकते हो, बस अगर बस यहाँ पे लानी है एंड उसके बाद आपको लो चेन भाई सीट करना है एंड एक बूम और गाइस आप ट्रिक कर देखते हो ली है पूरा मैंने। रिज के ऊपर का आप पूरा सीनरी देख सकते हो, सामने बंदे के सामने फोड़ सकते हो। पूरे ब्रिज तो के यहाँ पे मैं ऊपर आप देख सामने वाला सकता हूँ जो डोर मैं, है उसको फोड़ूंगा, ठीक है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि गोलियाँ आर पार जा रही है, ब्रिज के मतलब नीचे इजिली मार किसी बंदे सकता हूँ को मैं नीचे बंदे को, वाले और बंदों ब्रिज को के मार सकते हो, ऊपर भी, सामने ठीक वाले है बंदों को मार सकते हो, जहाँ मर्जी बंदे होंगे सबको मार सकते हो देख गाइस, लेना इस ट्रिक को, मतलब तबाही मचा बताना दोगे मेरे आप। को। देखो तो यहाँ पे मैं सामने डोर्स के ऊपर फायर करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि डोर्स ब्लास्ट होती है नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एमओ खत्म हो चुके हैं, डोर भी ब्लास्ट हो चुके हैं। तो हाँ ट्रिक बचाओ नंबर भाई। जो एक फ्री ट्रिक मेरी तरफ से आपको जो थर्ड हिल पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आपको यूएसजेड लानी है अपनी, एंड यूएसजेड लाने के बाद आपको ऐसे खड़ी कर देनी है अगर सामने इस घर पे नहीं कोई भी करता कैंप मैं कर रहा ऐसा, है, ठीक है। तो तो एंड यहाँ पे ऊपर से आने मैं के तो बाद नहीं कर आपको रहा हूँ दौड़ लगानी है अभी, और पूरी दौड़ लगाने के बाद जंप करना है, अगेन जंप करना है, ठीक है। हो सकता है आपसे एक बार में ना हो तो जंप करते रहना, यहाँ पे आपको हटना नहीं है, कंटिन्यू जंप करना है, ठीक है, आप हो जाएगा ये ट्रिक ओके वर्क। भाई, तो थैंक यहाँ पे यू। आपको कंटिन्यूसली जंप करते रहना है, फिर से पीछे आके जो जी जान से जंप लगाओ और यहाँ पे आप आ जाओगे। और देखो गाइस मतलब यहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा तो आप इजिली उसको मार सकते हो, नीचे से ऐसे मार सकते हो आप, एंड ऊपर आके भी उसको इजिली मार सकते हो। तो ये कैसे लगे आज की वीडियो, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।